आजादी के अमृत काल में 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ और 76वें स्वतंत्रता दिवस की सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, खूब सारी शुभकामनाएं। एक पूरी की पूरी पीढ़ी हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आजादी के इस दौर में और इस समय तक खपा दी है। और ये दौर अब ऐसा है कि जब हमको उन सारे के सारे उसूलों को, उन सारी मान्यताओं को, उन परंपराओं को फिर से नए सिरे से देखने की जरूरत है जो आजादी के समय में हमें अपनी परंपरा में यथार्थी के तौर पर मिली थी। 75 वर्ष एक पीढ़ी के पूरे जले जाने का होता है। गिने चुने लोग इस समाज में हमारे बीच में है जिन्होंने आजादी के संघर्ष को देखा है, उसको समझा है, उसमें भाग लिया है। धीरे धीरे करके वो पीढ़ी, उस दौर के लोग अब हमारे बीच में से जा रहे हैं और आज का कार्यक्रम उन्हीं को याद करने को लेकर आपके बीच में है। अशोकनगर जिले में भी ऐसे कई सारे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने भारत की आजादी में अपना सब कुछ देने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी से लेकर दूसरे जितने नेता रहे हो या स्वतंत्रता संग्राम के जो भी योद्धा रहे हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ऐसे 4-5 लोग हमने छांटे हैं। पहले उनसे बातचीत रूबरू करा देता हूँ, उनके नाम बता देता हूँ, फिर कुछ लोग मेहमान आप हमारे साथ में है उनसे जुड़ेंगे। तो जो जिन जिन लोगों को हमारे पास अभी जानकारी, हो सकता है कुछ और लोग निकल आए, मगर सबसे बड़ा और पहला नाम आता है झांसी के तत्कालीन राजा मर्दन सिंह जूदेव। 1857 की क्रांति में जब झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ इकबाल बुलंद कर चुकी थी, तब वो इस पूरी इलाके से अपने रसद और सेना के साथ उस युद्ध में भाग लेने के लिए गए थे और अंग्रेजों से लोहा लिया था। तो हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े अमर नायक हमारे जिले से आते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के जिन लोगों को चिन्हित किया है उनमें सेठ छुट्टीलाल जी अग्रवाल साहब हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनके बेटे भी बाद में लोकतंत्र सेनानी रहे, उनके परिजन हमारे साथ में जुड़ेंगे। लोकेश अग्रवाल जी हमारे साथ में, लोकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे हम अगर वो आ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं उनको। इसके अलावा हमारे साथ में एक और अशोकनगर शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, उनके सुपुत्र आलोक जी हमारे साथ में, इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों महानुभावों का, आप हमारे बीच में जुड़े धन्यवाद। हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नाम और है जो अशोकनगर के जिला है बहादुरपुर के पास में बबूरिया गांव, वहां से आते हैं सौदागर सिंह जी है। इन्होंने बड़ी संघर्ष किया उस दौर में और अंग्रेजों ने उनको काला पानी जैसी बड़ी सजा दी थी जो बहुत रेयर होती थी। उनके परिजनों से प्रयास किया जुड़ने के, उनके पुत्र या परपोत्र है वो आ सकती है तो हम कोशिश करेंगे उनको जुड़ने की। इसके अलावा एक और नाम आता है सरदार सिंह रघुवंशी, जिन्हें मंडल सरपंच के तौर पर रघुगुना का माना जाता है। अशोक नगर के साड़ोरा में पैदा हुए हैं, उनके परिजनों से भी प्रयास कर रहे हैं कि वो जुड़ सके और उन्होंने भी भूमिगत रहते हुए और अंग्रेजों की कई सारी नीतियों का उस दौर में विरोध किया था जब उनका आतंक चरम पर था। इसके अलावा एक और विशेष मेहमान हमारे बीच में, दिनेश मिरधरे जी। इनका लाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि खुद कवि है, अभी पुलिस की सेवा से रिटायर हुए हैं, मगर एक बहुत बड़ा नाम क्रांतिकारियों के बीच लिया जाता है, श्री कृष्ण सरल जी का। अशोकनगर की बहुत बड़ी पहचान है, उनके भतीजे हैं। तो श्री कृष्ण सरल जी ने पूरे जीवन सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, आजादी, क्रांति और वीरता को लेकर ही चीजें लिखी हैं। तो उन्हीं की परंपरा के एक और व्यक्ति हमारे बीच में, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी लोगों का अभिनंदन गाए। तो इस बीच में चूंकि स्वतंत्रता का एक माहौल चल रहा है तो कुछ वीडियोज भी हमारे बीच में, हमारे अपने राजनेता हैं आप सबके बीच में आना चाहते थे उनके स्वतंत्रता संग्राम को लेकर या आजादी के लोगों को लेकर, अपने जो भाव है और आजादी को लेकर उनके वीडियो के बीच बीच में देखते रहेंगे कि किस तरह से वो अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। सभी नागरिक बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव बना रहे हैं। पूरे राष्ट्र में प्रत्येक परिवार अपने घर पर तिरंगा लहराए और राष्ट्र हित में हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ जो भी हमारा योगदान हो सकता है इन्हीं भावनाओं के साथ, उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और चूंकि 15 अगस्त हमारा अशोकनगर जिले का भी स्थापना दिवस है तो मैं अशोकनगर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। बड़ी चीज हमारे विधायक के इस रिकॉर्डेड उद्बोधन में हम ये सुन पा रहे थे कि वो बता रहे हैं कि 15 अगस्त को अशोकनगर के लिए एक उपलब्धि ये भी है कि हम जिला के तौर पर भी इसी दिन जो है अस्तित्व में आए थे। तो 15 अगस्त 2003 को हम गुना से अलग होकर एक अलग जिला बने थे। तो इन आप तीनों के बीच में हम चर्चा शुरू करते हैं तो सबसे पहले लोकेश जी आप ही से शुरुआत करते हैं। तो एक दूसरी पीढ़ी में आप आते हैं, तीसरी पीढ़ी में आते हैं, आपके दादाजी सेठ छुट्टीलाल अग्रवाल जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में गिने जाते हैं। हाँ तो जी कुछ चीजें आपके जेहन में परिवार के साथ आई होंगी, माताजी पिताजी ने आपको सुनाई होंगी, तो कैसा दौर रहा बिल्कुल। था और क्या क्या काम उनके रहते जो उनको इस तरह से याद किया जाता है आजादी के जो आंदोलन में? बिल्कुल
जो मेनली है बेसिकली तो ये बात थी कि वो कांग्रेस में थे, तो जी ऊपर से जो कांग्रेस के जो आदेश आते थे, जैसे कोई कार्यक्रम चल रहा है, असहयोग आंदोलन है, तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, कुछ भी चल रहा है, जो भी आंदोलन आता है, या तो उसकी अशोकनगर के अंदर जो पृष्ठभूमि है उनकी जमाने की जिम्मेदारी दादाजी की होती थी, अपने साथियों के साथ, जो और भी उनके साथी थे स्वतंत्रता सेनानी, उनके साथ मिलकर कांग्रेस की ऊपर से जो पॉलिसी है उनको यहाँ पर उनको लागू करना होता था। तो जी मेन उनका यही था, और काफी सारे कुछ हैं रोचक इंसिडेंसेस हैं, घटनाएं हैं उनकी उनके साथ, तो कुछ सुनने में आई हैं। जैसे कि एक बार मुझे याद है कि ऊपर से आदेश आया था, पहले जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हुआ करते थे वहां पर जी जनगण मन या वंदे मातरम नहीं गाया जाता था, वो अलग ही वंदना गाई जाती थी, जो महाराज थे उनकी और अंग्रेज थे उनसे संबंधित कुछ गायन पे किया जाता था उनकी प्रशंसा में। तो ऊपर से कांग्रेस का जब ये आदेश आया कि नहीं, अब अपन को स्कूल के अंदर वंदे मातरम गाना है, तो मेरे दादाजी, मेरे पापा जो थे उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो बहुत जी छोटे थे वो, 10-1 साल के होंगे उस वक्त, तो जी उनको इन्होंने वंदे मातरम याद करवाया, और बहुत छोटे थे, उनकी टूटी फूटी आवाज में जैसा भी उनको याद हुआ, पापा बताते हैं, उनको याद करवाया। मेरी दादी ने पूछा कि ये क्या करवा रहे हो, तो मेरे दादाजी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक कार्यक्रम करना है। तो मेरी दादी जी को बड़ा गुस्सा आया, मतलब थोड़ा सा वो डर गई कि मेरे मौड़ा के साथ कछु हो तो नहीं जाए, वो उनने कही कि जी मेरे मौड़ा में स्वाभाविक कछु सी नहीं बात। होना चाहिए। हाँ, माँ का प्यार था, तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरी दादी को कर दिया, लेकिन मेरी दादी जी को ना बड़ा वो था अपने बेटे के लिए, तो उन्होंने अपने उनके जो है पर दो तीन दो पराठे बना दिए, और दो पराठे के अंदर अचार सेब लगाकर उनकी जेब के अंदर रख कर भर दिए, कि बाई चांस इसको इनको इधर उधर भागना भी पड़े तो मेरे मोड़ा के जेब में दो पराठे तो होंगे, कहीं पे खा एक दो लेगा। दिन का इंतजाम करके ले हाँ, तो गए थे। उन्होंने पराठे उनकी जेब के अंदर रख दिए थे, लेकिन ऐसे मेरे दादाजी ने अच्छी व्यवस्था की हुई थी, वो स्कूल गए, स्कूल के अंदर जैसी असेंबली के अंदर उन्होंने गायन किया, तो वो जैसी प्रार्थना को वो आया जहां पर महाराज की वंदना वंदना गाई जाती थी, तो उसकी जगह इन्होंने फटाफट वंदे मातरम या जनगण मन, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि दोनों में से कुछ था, तो वो फटाफट 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 उन्होंने जनगण मन अधिनायक जय है, कोई उसके अंदर कोई लय नहीं थी, लेकिन फटाफट 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 करके पापा बताते कि मैंने इतनी जल्दी जल्दी गाया जनगण मन अधिनायक, और जैसे ही वो गाया पूरा कंप्लीट हमें करना था, इतने में वापस सारे रोको इन्हें रोको इन्हें रोको इन्हें रोको इन्हें करके करते करते उनके पीछे भागे, लेकिन पापा पीछे के जी पीछे अपने साथ दो तीन और साथियों के साथ भाग लिए, और वहां पर दादाजी ने उनको छुपाने का इंतजाम कर रखा था। सारी चीजें होती थी, तो चलिए, ये बहुत सारी अच्छा चीजें लगता है होती, तो ये सुनकर वो। छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो उस दौर में बड़ी हाँ कठिन रही होंगी, मगर आज की पीढ़ी को ये सब समझना बहुत जरूरी है। एक और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हाँ इसी शहर बिल्कुल से हैं, दुर्गा प्रसाद जी, उनके परिजन भी हमारे बीच में, उनके सुपुत्र ही हमारे बीच में। आलोक जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि जो संस्मरण आपके जेहन में है, किस तरह की चीजें आपके दिमाग में है जो आपको बताई गई हो या आपने सुनी हो, तो हम आपके भी विचार जानना चाहेंगे यार, अगर वो जुड़े हैं, क्योंकि वो स्क्रीन पर दिख नहीं रहे, कोशिश करेंगे दोबारा से। जो जी, बात आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? तो हम हाँ सर इस बात कर लेते हैं तब तक। दिनेश भरथरी जी है श्री कृष्ण सरल जी के। तो सर, आपको शुरू करने से पहले जरा एक आध विज्ञापन और देख लेते हैं, हमारे पास जो है 15 अगस्त की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छाएं थी कि ये सब चीज भी चलती रहे, तो उनको करते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं जरा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लगातार अब हम 75वीं वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अमृत महोत्सव के रूप में, आपने सबने देखा है, देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह वर्ष हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा, हर ऑफिस तिरंगा, हर दुकान घर तिरंगा, हर बच्चे के हाथ में तिरंगा हो। देश में स्वतंत्रता की वर्षगांठ इस तरह से मनाई जा रही है ताकि हर व्यक्ति के मन में एक जज्बा रहे कि हम उस देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह वर्ष 2003 में हमारा अशोकनगर भी 15 अगस्त को ही अशोकनगर जिला बना था। हम स्थापना दिवस अशोकनगर का भी मना रहे हैं। इस अवसर पर हर घर, मेरा सबसे आग्रह है कि हर घर में, हर दुकान पर, हर चौराहे पर तिरंगा अवश्य लगाएं।
ताकि हमें यह जज्बा रहे कि हम उस देश के नागरिक हैं जिससे 75 वर्ष पूर्व देश हमारा स्वतंत्र हुआ था। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को जय श्री राम। मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी शहरवासियों को, ज़िलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां आए ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। और साथ ही जो 75वां महोत्सव हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, उसके लिए आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। आपसे एक और अनुरोध है, आप सभी अपने घरों पर, प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराएं, नियम अनुसार तिरंगा को फहराया जाए और उसके बाद उसे सम्मानपूर्वक सुरक्षा से रखें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय सियाराम। अशोकनगर शहर के सभी नागरिकों को, वार्ड नंबर 21 के सभी निवासियों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी लोगों से आह्वान है, ये हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसको आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है, तो सभी लोग अपने अपने घरों पर 15 अगस्त को झंडा फहराएं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में और लोकल में जो कार्यक्रम होंगे उनमें अवश्य अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो ब्रदरी जी, आपका तो खुद का लंबा चौड़ा अनुभव रहा लेखन को लेकर, और श्री कृष्ण सरल जी से जुड़ी चीजें भी आपसे जानना चाहेंगे, तो हम चाह रहे थे चूंकि वीरों का अभिनंदन गा रहे हैं तो कोई एकाध कविता जो बहुत लोक प्रचलन में रही है सरल जी की, अगर उनके साथ शुरू करें इसको। स्क्रीन पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। 75वां स्वतंत्रता महोत्सव चल रहा है, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सरल जी की एक बहुत ही लोकप्रिय और अमर कविता है, जिसको कभी कभी मुख्यमंत्री जी, उमा भारती जी दोहराती थी, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। एक पद सुनाऊंगा, यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है, यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, यह सच अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। यह सच है दाग गुलामी के उनने लोहू से धोए हैं, हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं, हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं। इस पीढ़ी में, उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। बहुत अमर कविता है उनकी, बिल्कुल। अक्सर हम भी मनाते रहते हैं अशोकनगर के बहुत बड़े या छोटे जो भी मंच हैं उन पर ये कविता अक्सर होती है। हमारे रेलवे स्टेशन के बाहर भी कुछ लाइनें इसकी अभी भी अमरता के तौर पर लिखी है। तो जीवन भर उन्होंने सिर्फ एक ही साधना की है और वो क्रांति की साधना है। तो अशोकनगर से जुड़ी कोई एकाध ऐसी चीज जो आपके जीवन में तुरंत याद आ रही हो, श्री कृष्ण सरल जी से, क्रांतिकारियों से जुड़ी हो, जिसको हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी को भी वो बात मान चलना चाहिए, तो जरूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही अविस्मरणीय घटना है। अब अशोकनगर रेलवे स्टेशन तो मैं नहीं कहूंगा उसको, पछार रेलवे स्टेशन की टकनेरी हुआ करता था उस समय। हाँ, टकनेरी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। तो उस समय क्या था कि लाहौर षड्यंत्र कांड में असेंबली में बंग फेंकने के बाद सरदार भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी और उनके साथी राजगुरु जो थे वो पूना में उनकी गिरफ्तारी हुई थी जी। और पूना से भुसावल बीना होते हुए उनको अशोकनगर या जिसको पछार कहें, इस रेलवे लाइन से निकाला जा रहा था। तो अंग्रेज उस समय ये करते थे कि बड़ी स्टेशनों पे
क्रांतिकारियों के पक्ष में ज्यादा पब्लिक इकट्ठी हो जाती थी और इससे व्यवस्था में उनको बड़ी असुविधा पड़ती थी, तो वो छोटी रेलवे लाइनों का उपयोग करते थे। इसी क्रम में राजगुरु को बीना भुसावल से, भुसावल बीना के मार्ग से ले जाया जा रहा था लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल करने के लिए। तो अशोक जी नगर में इस बात की जानकारी मिल गई थी, नाम पता नहीं चल पाया था, लेकिन ये पता चला था कि इस ट्रेन से कोई क्रांतिकारी आने वाला है। तो अशोक नगर के नागरिक, केवल गणमान्य नागरिक नहीं, मतलब गणमान्य नागरिक तो थे ही, उनके साथ महिलाएं, उनके साथ युवा और उनके साथ बच्चे भी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई तो अंग्रेजी सिपाहियों ने कूद के उस डिब्बे को घेर लिया, तो पब्लिक समझ गई कि इस डिब्बे में क्रांतिकारी है। तो सभी ने रेलवे स्टेशन पर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाए। तो राजगुरु ने खिड़की खोल के अपना मुंह बाहर निकाला और उन्होंने भी जनता के स्वर में स्वर मिलाते हुए भारत माता की जय बोली। लेकिन इसी बीच एक अंग्रेज सिपाही ने उनका अपमान पूर्वक मुंह अंदर को ठेल दिया। तो वो बात सब लोगों को तो आई गई हुई, कुछ नहीं कर पाए, विवश थे पुलिस के सामने। लेकिन बाल मंडली में विचार विमर्श हुआ, उस समय सरल जी 10-11 साल की उम्र के रहे होंगे। बाल मंडली में विचार हुआ कि इसने हमारी स्टेशन पे एक क्रांतिकारी का अपमान कर दिया। तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पत्थर संदान किया, और जिस अंग्रेज सिपाही ने मुंह अपमान पूर्वक अंदर ठेला था राजगुरु का, उसको निशाना साध के उसमें जब पत्थर मारा तो पत्थर सीधा उसके मस्तक में जाके लगा और वो खून से लथपथ हो गया, पूरी उसकी वर्दी खून से लथपथ हो गई। अब उनने भागना शुरू किया सरल जी ने, तो भाग जाते लेकिन भीड़ ज्यादा थी और पोर्टर जो होते हैं कुली, उनने उनको पकड़ लिया। पकड़ के फिर स्टेशन पे उन सिपाहियों को सौंप दिया। तो उन्होंने जो है बूटों से, अंग्रेज सिपाहियों के जो बूट थे उनसे नीचे प्लेटफार्म पर पटक कर उनसे उनकी पिटाई की और बुरी तरह पिटाई की, उनको खूना खून कर दिया, मरणासन्न कर दिया। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि ट्रेन ने सीटी मार दी और वो जो सिपाही उनकी पिटाई कर रहे थे वो दौड़ दौड़ के ट्रेन में चढ़ गए। तो इस तरह से घायल अवस्था में उनको फिर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका ऑपरेशन हुआ। और सरल जी की बाई जांघ पर वो अंग्रेज सिपाही के बूट का निशान आजीवन जी बाई जांघ पर बना रहा, जिसका ऑपरेशन हुआ था। इस चलिए घटना से प्रेरित होके उन्होंने क्रांतिकारियों पर कविता लिखना शुरू किया और क्रांतिकारियों पर एक रिकॉर्ड, 15 महाकाव्य विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। क्रांतिकारियों पे 125 पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी और 12 देशों तो की अपनी निजी खर्चे से यात्रा की। आगे भी हम इस पे बात करते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो है फिर एक बार और देख लेते हैं। इस आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और अमृत महोत्सव के रूप में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार 75वीं वर्ष महोत्सव के रूप में मना रहे हैं 75वीं वर्ष को। इसलिए सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और सारे देशवासियों को, हमारे ज़िले के वासियों को, हमारे नगर के वासियों को, सारे ग्राम के वासियों को, सभी मजदूर भाइयों को, सभी भाइयों को जो भी जिस जगह रह रहा है, धूमधाम से हमारा 15 अगस्त का पर्व मनाएं। और इसको, ये सबसे बड़ा पर्व है, देश से बड़ा कोई नहीं है, देश है तो हम हैं और देश नहीं है तो हम भी नहीं हैं, ये स्थिति है। इसलिए धूमधाम से इसको, पर्व को मनाएं। सभी नागरिकों से मेरी अपील है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हुतात्माओं और बलिदानियों को याद किया जा रहा है। पूरा देश तिरंगामय है, पूरे देश में राष्ट्रीय जनजागरण के लिए एक बयार चली है जिसमें जनसामान्य से लेकर पूरे देश का कोना कोना जुड़ा है। इस अवसर पर मैं सभी वार्डवासियों को, नगरवासियों को, ज़िलेवासियों को, समस्त देशवासियों को और मोदी जी के नेतृत्व में जो मुहिम चलाई है राष्ट्र जागरण की, उसको प्रणाम करते हुए आज इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, आदाब। मेरे वार्ड क्रमांक 10 एवं 11 के
बाढ़वासी एवं समस्त शहरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैंने अपने दोनों वार्ड एवं शहर की सेवा का संकल्प लिया है। समस्त बाढ़वासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। आपका अपना राशिद खान चिन्ना, जय हिंद, जय भारत। लोकेश जी हमारे बीच में है। लोकेश जी, जिस तरह से आज के दौर में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव का, हर जगह हम देख रहे हैं कि तिरंगे लहरा रहे हैं, लोग इसको में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि पीढ़ी जो नई है, खासकर नए लोग जिन्होंने आजादी की चीजों को देखा नहीं है या उनसे जुड़े लोगों को सुना नहीं है, अब एक दौर आ गया है कि उन लोगों को भी ये सब चीजें नए सिरे से पता चलना चाहिए, इसलिए महोत्सव इस तरह से या इतनी भव्यता से मनाया जा रहा है? हेलो, हाँ, मेरे से पूछा? जी जी, हाँ ओके, बिल्कुल निसंदेह महोत्सव मनाए ही इसलिए जाते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी या जनरेशन को मालूम पड़े कि कैसे क्या हुआ है, और उत्साह जो है इसका महोत्सव लोगों में उत्साहित होते हैं इससे। आज जैसे कि मैं पढ़ा रहा था अपने स्टूडेंट्स को, तो मैंने उनको बहुत सारे उनको देशभक्ति गीत सुनाए, ठीक है, तो उनको इतना मजा आया। फिर मैंने उनसे कुछ बातें भी पूछी कि तुम्हारा फेवरेट जो है, सबसे पसंदीदा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है, उन्होंने अपने अपने तर्क दिए। कुछ लोगों ने को हमने डिसाइड ही नहीं किया था कि ऐसा कौन है, अच्छा है या कौन, मतलब एक चर्चा का माहौल बना और उनको बहुत अच्छा लगा। आज इस विषय पर हमने बात करी, तो बहुत जरूरी है आजादी का अमृत महोत्सव जिस तरह से इस बार देश में मनाया गया। 50वां तो हमें याद भी नहीं है, सच बताऊं हमें याद नहीं है 50वां जब मना था तो क्या हुआ था और कैसा हुआ था, लेकिन ये 75वां सबको याद रहेगा जिस तरह से मनाया गया है देश के अंदर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो पूरा दिन ही मस्त निकला है मेरा। ये बिल्कुल आपके बिल्कुल जो विचार है बिल्कुल ऐसी दिल की मेरी भावना। मैं जब अशोकनगर में कई सारे कार्यक्रमों के बाद घर आ रहा था, तो 1997 में कॉलेज का विद्यार्थी था, मुझे एकदम जो आप कह रहे हैं वही जेहन में आई कि हम जब 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे, तो वो भी बहुत बड़ी सहस्राब्दी वर्ष के पहले की मनाते हैं लोग उसको 50वीं सालगिरह, तो उस दौर की सरकारों ने या उस दौर के लोगों ने उस चीज को उतनी दिक्कत के साथ नहीं निभा पाए जो आज के दौर में निभाया जा रहा है। तो दरअसल मुझे जो लगता है कि अगले 25 साल बाद अब जब हम 100वीं जयंती मना रहे होंगे आजादी की, तो उन 25 वर्षों में जो पिछले 25 छोड़ गए उसमें जो आजादी का जज्बा कमजोर हुआ है, देशभक्ति की चीजें जो हाशिए पर चली गई है, ऐसा लगता है कि इस अभियान से अब जन के मन में देश शायद पहले नंबर पर या कुछ और गंभीरता के साथ आएगा। देशभक्ति जैसी चीजों पर थोड़ी सी शिद्दत के साथ बात की जाएगी। हम 100वें वर्ष में लोग जब इजराइल के और दूसरे देशों की राष्ट्रभक्ति की तुलना कर रहे हैं हमसे, तो शायद हम उस धारा में आगे बढ़ने वाले लोग हो सकते हैं, ऐसा इस संकेत भी इससे मिल रहा है। बिल्कुल, दरअसल क्या है, आप मोदी सरकार के आने के बाद राष्ट्रवादिता तो बढ़ी है, राष्ट्रीयता, दरअसल क्या है, राष्ट्रवादी लोग बाग जो है उनकी सोच जो है बहुत आगे तक पहुंची है, तो इस ये फर्क तो आया है। देशभक्ति की भावनाएं तो लोगबागों के अंदर पहले से, हम लोगों की जनरेशन जो है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, उससे इस वक्त तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। मैं कहूँगा डबल का इजाफा हुआ है मोदी सरकार के आने के बाद लोगबागों के अंदर राष्ट्र के प्रति जो प्रेम बढ़ा है उसके लिए। और खासकर हम देखते हैं कि जब खिलाड़ी हैं, अब इस बार जो है कॉमनवेल्थ के अंदर इतने अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, मतलब अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा, हम इतने सारे मेडल्स जीत कर लाए, कितने लोग प्रेरित हुए होंगे इससे गेम्स के अंदर भी। और आज जो लाल किले से जो भाषण दिया मोदी जी ने, वो भी विस्मरणीय था। इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन्होंने सबको बता दिया कि वो आने वाले समय के अंदर क्या करने वाले हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में हमारे देश में मनाई जा रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमृत महोत्सव के टाइम पे हर घर झंडा अभियान चलाया जा रहा है, इसके बड़े सुखद परिणाम आ रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे देश में एक नई राष्ट्रवाद की ऊर्जा प्रभावित हुई है। इस अमृत महोत्सव के एवं 75वीं वर्षगांठ की 15 अगस्त की सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, जिलेवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सभी देशवासियों को, नगरवासियों को एवं वार्डवासियों को,
75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जो कि अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है। तो 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की मैं हमारे नगर वासियों को एवं वार्ड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ग्राम पंचायत बेखेतुमेन के समस्त नागरिक बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं फिर से जो है हमारे बीच में दिनेश बरसारी जी हैं, उनसे बात कर लेता हूं। दरअसल आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि वो दौर आपने बता दिया लोगों को, बहुत कम लोगों को पता था कि त्रिकरण शरण जी ने एक पत्थर भी मारा था और राजगुरु निकल के जा रहे थे। ये बहुत कम लोगों को पता है, वो साहित्य का हिस्सा है जो त्रिकरण शरण जी लिख के गए। कोई एक और हम घटना के बारे में कई बार जिक्र सुनते रहते हैं कि भगत सिंह के अलावा चंद्रशेखर आजाद से भी कुछ जुड़ाव इस अशोकनगर का रहा है, तो श्रीकृष्ण सरल जी ने उनको भी कहीं स्थान दिया है, तो अगर उस घटना के बारे में भी बता सके आप। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। तो चंद्रशेखर आजाद जी सरल जी ने तो उनको वहां आवरी के पास में जो हनुमान जी का मंदिर है वहां का उल्लेख उन्होंने किया है, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मेरे ताऊ जी थे भगवान लाल जी, तो वो मुझे सुनाया करते थे कि एक ऐसा साधु आया था जिसका इतना बड़ा चेहरा था और बोले इतना तेज उसकी चेहरे पे था कि टकटकी लगा के 2 मिनट उसके यहाँ उसके सामने अपन देख नहीं सकते थे। तो वो कुछ दिन यहाँ गंज का जो हनुमान जी का मंदिर है इसमें रुके थे, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा थी, तो 1-2 दिन रुक के ही वो वहां पछाड़ी खेड़ा पे अपना जो आवरी के पास में जो हनुमान जी का मंदिर है उस पे चले गए थे और वहां लगभग वो 1 सप्ताह तक रुके हैं। और एक उस समय एक ये घटना भी है कि वो चंद्रशेखर आजाद जो एक चट्टान रखी हुई है मंदिर के पास में वहां पे बैठे हुए थे चट्टान के पास में, तो एक भूरा भूरा नाम का उस समय कोई असामाजिक तत्व था, गुंडा था, वो किसी महिला की छेड़छाड़ वहां कर रहा था और महिला की जब चिल्लाने की उसका इतना आतंक था कि उसके आतंक कारण कोई उसके अपराधों में हस्तक्षेप नहीं करता था, उसका विरोध नहीं कर पाता था, उसके विरुद्ध रिपोर्ट करने नहीं जा पाता था, लेकिन जब वो महिला के चीखने की चिल्लाने की आवाज चंद्रशेखर आजाद जो साधु के वेश में बैठे हुए थे उन्होंने सुना तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वो उस भूरा नाम के गुंडे की ऐसी पिटाई की कि उस दिन से उसने अपराध करने ही छोड़ दिया और मतलब जीवन भी वो बाद में मुश्किल से ही जिया, इस तरह से उसकी धुनाई की थी, क्योंकि वो शरीर से बहुत तगड़े थे चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद के साथ ही भी उन्हें जो है कभी कभी हंसी मजाक में प्रताड़ित करते रहते थे, उनसे बैल कहते थे या जे कहते थे कि पंडित जी के लिए तो रस्सा 3-4 रस्से चाहिएंगे लटकाने के लिए और एक रस्सा तो टूट जाएगा, झेल नहीं पाएगा इनके लिए, लेकिन वो हमेशा यही कहते थे कि मैं तुम्हें मुबारक हूं रस्से, अंग्रेज मुझे कभी पकड़ नहीं पाएंगे और मैं आजाद, मेरा नाम है आजाद, जिया हूं और आजाद ही मरूंगा। तो ये बहुत बड़ी चीज भी ये है कि जब हम अशोकनगर को इस तौर पर लेकर आ रहे हैं आगे कि आजादी के आंदोलन में हमारी भूमिका ऐसा नहीं है कि नगण्य रही हो, यहाँ के उस समय के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिकाएं आए, उनमें से कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर जो है नवाजी भी गए, कुछ लोग संघर्ष में रहे, बाकी कुछ लोगों के हिडन ऐसे भी काम रहे होंगे जो भले ही लोगों के चर्चा में नहीं रहे होंगे मगर उस दौर में आजादी के लिए हुए संघर्ष में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा की होगी। तो कई सारे नाम आज हमने लिए भी है, इसके अलावा भी कई सारी चीजों को हम आगे भी लाते रहेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, कोशिश कर रहे थे हम 2-3 लोगों और जुड़ सके मगर किसी कारण से हम उनके बीच में नहीं हो पाए, फिर प्रयास करेंगे कि दोबारा कभी उनके साथ जुड़ते हैं। आज आप लोग दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, आभार बहुत बहुत जुड़।